बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के परिजन उनकी मौत को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब सोनाली के भांजे एडवोकेट विकास ने उनके निजी सचिव सुधीर संगवान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विकास ने सुधीर संगवान को ही सोनाली की मौत का जिम्मेदार बताया है। विकास ने कहा कि सुधीर संगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। इसी बीच सोनाली फोगाट के भाई ने फेसबुक लाइव करके कहा कि गोवा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने गोवा में पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ये लाइव किया है। सोनाली के भाई की ओर से गोवा पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। इससे पहले सोनाली फोगाट के भतीजे मोहिंद्र फोगाट ने दावा किया है कि सोनाली फोगाट के चेहरे पर मौत के बाद सूजन थी। उनके चेहरे पर एक तरफ स्ट्रेच मार्क भी थे। उन्होंने कहा, हम इस मामले में जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कहा, सोनाली ने परिवार को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई उनके खिलाफ साजिश रच रहा है। सोनाली फोगाट के मौत के मामले में उनकी बहन ने सीबीआई जांच की मांग की है। उनकी बहन रमन ने कहा कि सोनाली को हार्ट अटैक नहीं आ सकता, वो काफ़ी फिट थी। उन्होंने कहा, हम इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हमारा परिवार ये मान नहीं सकता कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। उन्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का गोवा में निधन हो गया था। गोवा पुलिस ने मौत की वजह हार्ट अटैक बताई थी। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि सोनाली के शरीर पर चोट की कोई भी निशान नहीं मिले। पुलिस के मुताबिक सोनाली फोगाट सोमवार रात अंजुना में कर्लीज रेस्टोरेंट में ही थी। इस दौरान उन्हें बेचैनी की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें गोवा जिले के अंजुना के सेंट एंथोनी अस्पताल में लाया गया था। यहां उनका निधन हो गया। सोनाली फोगाट 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो हार गई थी। उन्हें कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई ने हराया था। अब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं।